शुभमन गिल के न्यूजीलैंड के विरुद्ध 208 रन की शानदार दोहरा शतकीय पारी के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर बाबर आजम को लेकर लताड़ लगा दिया है। तो चलिए इस वीडियो में बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, फेमटे 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स वीडियो के लिए। दरअसल दोस्तों कुछ बात ऐसा है, शोएब अख्तर ने बोला है कि भारत के युवा क्रिकेटर एक के बाद एक दोहरा शतक ठोकते जा रहे हैं और हमारे यहाँ का जो गिने चुने फेवरेट टॉप क्लास के क्रिकेटर है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपने ध्यान को कहाँ लगाया है, क्रिकेट से अपने ध्यान को हटाकर दूसरी दुनिया में लगाकर फेम पाने पर उत्सुक हैं। ये पूरा का पूरा तंज बाबर आजम के उस वीडियो पर है जो कि कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। अगर हमारे बल्लेबाज भी उतना ही हार्ड वर्क करते जितना कि इंडिया के युवा बल्लेबाज कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से भी दोहरा शतक जरूर देखने को मिलता, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरा तरह से क्रिकेट पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ शोएब अख्तर ने ये भी बोले हैं कि आने वाले युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए कि अपनी बैटिंग स्किल को किस तरह से अच्छा करें कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए भी खिलाड़ी दोहरा शतक मारे। भारत में एक के बाद एक दोहरा शतक बनने के बाद शोएब अख्तर ने भी अपने देश के युवा खिलाड़ियों को नसीहत पर नसीहत देते जा रहे हैं कि आप भी अपनी क्रिकेट की लेवल को सुधारो ताकि आप क्रिकेट में परिपक्व हो, आपसे भी कोई बड़ा पारी की उम्मीद की जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेमटे 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स वीडियो के लिए।